नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको बिहार के सभी जिलों के मौसम का हाल बताने जा रहा हूं। मौसम विभाग के अनुसार पूरे बिहार में कहीं बारिश होने या तूफान आने की संभावना बन रही है। तो आइए देखते हैं कहां का होगा क्या हाल। औरंगाबाद जिले में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहेगी। सामान्यतः आकाश में बादल छाए रहेंगे और थोड़ी बारिश के साथ साथ धूल भरी हवा चल सकती है। कटिहार जिला में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा। क्षेत्र के कुछ हिस्सों में तूफान भी आ सकता है। किशनगंज में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहेगी। आकाश में बादल छाए रहेंगे, गर्जना धूल भरी हवा चलेगी और बारिश हो सकती है। वही गया जिले में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहेगी। आकाश में बादल होंगे, गर्जना और धूल भरी हवा और बारिश भी हो सकती है। गोपालगंज की अगर बात करें तो जिला में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहेगी। क्षेत्र के कुछ हिस्सों में बारिश की बौछार होने की संभावना बन रही है। छपरा जिले में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहेगी। आकाश में बादल छाए रहेंगे, धूल भरी हवा चलेगी और यहां भी बारिश होने की संभावना बताई जा रही है। जहानाबाद में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहेगी। कभी कभी बारिश और एक तूफान भी आ सकता है। वहीं बात करें अगर दरभंगा की तो दरभंगा में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहेगी। कभी कभी बारिश हो सकती है। नालंदा जिले में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है। आकाश में बादल छाए रहेंगे, गर्जना और धूल भरी हवा चलेगी, बारिश होने की भी संभावना है। पटना जिले में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहेगी। आकाश में बादल छाए रहेंगे, गर्जना और धूल भरी हवा चलेगी और साथ साथ बारिश भी हो सकती है। पूर्णिया जिले में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहेगी। आकाश में बादल छाए रहेंगे, गर्जना धूल भरी हवा चलेगी और यहां भी बारिश होने की संभावना बताई जा रही है। फाबिसगंज में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहेगी। आकाश में बादल छाए रहेंगे, गर्जना और धूल भरी हवा चलेगी, हल्की बारिश होने की संभावना है। बक्सर जिले में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहेगी। क्षेत्र के कुछ हिस्सों में तूफान भी आ सकता है। वहीं बेगूसराय में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहेगी। कुछ हिस्सों में तूफान भी आ सकता है। जबकि भागलपुर में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहेगी। सामान्यतः आकाश में बादल छाए रहेंगे, धूल भरी हवा चलेगी और थोड़ी बारिश हो सकती है। वहीं भोजपुर में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहेगी। कुछ हिस्सों में तूफान आ सकता है। मधुबनी जिला में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहेगी। सामान्यतः आकाश में बादल छाए होंगे, धूल भरी हवा चलेगी और थोड़ी बारिश होगी। वहीं मधेपुरा में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहेगी। आकाश में बादल छाए होंगे, गर्जना और धूल भरी हवा चलेगी और बारिश भी हो सकती है। मुंगेर में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहेगी। आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, गर्जना और धूल भरी हवा चलेगी और यहां भी हल्की बारिश हो सकती है। वहीं बात करें मुजफ्फरपुर की, मुजफ्फरपुर जिले में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहेगी। सामान्यतः आकाश में बादल छाए होंगे, धूल भरी हवा चलेगी और यहां भी बारिश हो सकती है। मोतिहारी में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहेगी। आकाश में बादल छाए रहेंगे, गर्जना और धूल भरी हवा चलेगी और बारिश होने की संभावना है। वहीं राजगीर में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहेगी। आकाश में बादल छाए होंगे, गर्जना और धूल भरी हवा चलेगी और बारिश होने की संभावना है। रोहतास में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहेगी। क्षेत्र के कुछ हिस्सों में तूफान आ सकता है। वहीं लखीसराय में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहेगी। जिले के कुछ हिस्सों में आकाश में बादल छाए रहेंगे, गर्जना और धूल भरी हवा चलेगी और बारिश होने की संभावना है। वहीं सीहोर में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहेगी। कुछ जगहों पर तूफान भी आ सकता है। शेखपुरा में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहेगी। आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, गर्जना और धूल भरी हवा चलेगी, हल्की बारिश भी हो सकती है। समस्तीपुर में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहेगी। बौछार होने की संभावना है। सहरसा में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहेगी।
कुछ भाग पर तूफान आ सकता है। वहीं सारण में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहेगी और यहाँ भी बारिश होने की संभावना बताई जा रही है। सीतामढ़ी में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहेगी और यहाँ तूफान आने की संभावना है। सिवान जिला में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहेगी, यहाँ भी तूफान आने की संभावना है। सुपौल जिला में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहेगी, हल्की बौछार होने की संभावना है। वहीं खगड़िया में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ भी तूफान आ सकता है। वहीं बांका जिले में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है। आकाश में बादल छाए रहेंगे, गर्जना और धूलभरी हवा चलेगी और हल्की बारिश हो सकती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल बिहारी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।